रेवाड़ी में ओनर किलिंग के मामले में एक युवक की चाकू और ईंट पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला शहर की इंदिरा कॉलोनी का है, जहां बीती रात आधा दर्जन लोगों ने जितेंद्र नाम के युवक पर चाकू और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। बता दें कि 5 महीने पहले जितेंद्र ने पड़ोस में ही रहने वाली दीपिका नाम की युवती से लव मैरिज की थी, जिसके बाद से ही वो अपने घर पर ही रह रहा था। और जैसा कि परिजनों का आरोप है कि पहले भी जितेंद्र पर हमला किया जा चुका था और बीती रात चाकू और ईंट पत्थर से जितेंद्र की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी अभी फरार है। समझदार लोग है ना, बातों को खत्म कर देते हैं। नहीं, बात सच्चा। मेरा मुकेश सर, क्या क्या हुआ था रात को? रात को सर मैं मंदिर के पास बैठा था, हमारे यहाँ मोहल्ले मंदिर है और वो मंदिर के कोने पे खड़ा था, तो 4-5 लड़के आए, बबली नाम है और लोकेश है, अनूप है और मोनू है और क्या नाम था, उसके बाद बबली आया, उसके सर में ईंट मारी। पहले सर में ईंट मारने के बाद जैसे वो भागने लगा तो उसको पकड़ लिया ऐसे पीछे से, उसको नीचे गिरने के बाद उन्होंने फिर कई चप्पू मारे उसके। वो थे जी 5-6 जने थे। चाकू पत्थर से उस पर हमला किया? हाँ जी, उसको छुड़ाने को उसकी आपको चोट आई? हाँ, मैं इसे छुड़ाने गया तो मेरे ऊपर ही हमला करा, ये मेरा लग रहा। फिर वो कैसे कब भागे वो? उसके बाद उसको घेरने के बाद वो भाग गए, मंदिर की लाइट ऑफ कर दी उनने अंधेरे में, जब उनने उसके साथ वारदात की है अंधेरा करके। अंधेरा क्यों मारे सर? ये पहले से कोई उनकी लड़की थी तो उसके लोग मैरिज कर रखी थी, इस वजह से वो कई दिनों से उसके चक्कर में लग रहे थे मारने के, तो उन्होंने वारदात करी उसके साथ, उसके यहाँ की हड्डी भी तोड़ी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने आके पहले लाइट मंदिर की लाइट बंद करी, अंधेरा करके जब उसको मारा। कैसे क्या हुआ था? मेरे भाइयों ने मारा उसे जनवरी को। भाई क्या कहते थे? भाई ऐसे कहते थे मैं मारूंगा मैं तो, तुम्हें दुआ रहेगी। सारे भाइयों ने मार दिया, एक बार पहले भी मारा था। कर मामा बता कौन?